अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन है वो नागालैंड के बारे में ही है कि यहाँ होगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वापस से कोहिमा आ गया था मैं जुकू वैली के नेक्स्ट लेवल ट्रैक को करने के बाद, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और अब वापस से मैं अकेला ट्रैवल करने वाला हूँ। तो कल जब वापस हम विश्वमा पहुँचे, विश्वमा के बाद रात को हम वहाँ पर रुके, और फिर दोपहर को यूँ मान लीजिए पूरे दिन रेस्ट वेस्ट किया, और फिर पहुँच गए थे कोहिमा। बाकी लोग चले गए ऐसे कोहिमा से दीमापुर, और मैं कोहिमा में रुक गया। और आज मैं मेरी अगली जगह की तरफ प्रस्थान करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ फुतसुरो की तरफ, और फुतसुरो के बाद मैं निकल जाऊँगा बर्मा बॉर्डर की तरफ। ब्रदर, फुतसुरो बस स्टैंड, फुतसुरो टैक्सी स्टैंड कितना है? 100 रुपये। तो टैक्सी मिल गई है, और ये भाई साहब मुझे 100 रुपये में जो फुतसुरो बस स्टैंड है वहाँ पे उतार देंगे। ये यहाँ से फुतसुरो का बस नहीं जाता है क्या? बस नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्सी है। वो टैक्सी सुमो और वो ये वाला ना। अच्छा, तो छोटा टैक्सी। और कितना टाइम लगता है यहाँ से फुतसुरो का? 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा? फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन कोहिमा के अंदर थोड़ा मार्केट बड़े बड़े लगते हैं। यहाँ पे बतख वतख देखिए आप। कितना लगता है फुतसुरो का? बड़ा? हाँ। सुमो नहीं जाता है क्या? सुमो असली है। सुमो आज नहीं होगा। ये लीजिए। तो यहाँ से शेयरिंग सुमो या फिर शेयरिंग टैक्सी चलती है फुतसुरो के लिए। जो बस है वो अर्ली मॉर्निंग जाती है, और बस का मुझे पता भी नहीं था। तो मज़ेदार चीज़ ये हो गई कि मेरे को गाड़ी में एकदम फ्रंट वाली सीट मिल गई है, तो यहाँ बैठ के एकदम मैं नज़ारे लेते हुए जाऊँगा। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ फुतसुरो, फुतसुरो से आगे मुझे जाना है मेलूरी, और फिर मैं धीरे धीरे एकदम नागालैंड के डीप के अंदर पहुँचने लग जाऊँगा। और मेलूरी के बाद मुझे जाना है बर्मा बॉर्डर की तरफ। बर्मा बॉर्डर के ऊपर एक गांव पड़ता है अवलोक, जो एकदम बॉर्डर के ऊपर है, और इंडियन गवर्नमेंट उस गांव के ऊपर काफ़ी पैसे स्पेंड कर रही है। पहले वो गांव कुछ भी नहीं था, एक रोड भी नहीं था से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो, और अब उस गांव तक रोड भी पहुंच गया है। एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर अलग अलग कंट्री से लोग आके वहाँ पर अपने सामान को सेल वेल कर सकते हैं। और मतलब कि वहाँ जाने के बाद आपको चीज़ें और ढंग से समझाऊँगा कि क्या सीन है क्या नहीं। तो हर जगह पर जाने के लिए आपको कोहिमा के अंदर अलग अलग स्टैंड मिलेंगे। अगर आपको जू को जाना है तो दूसरे स्टैंड के ऊपर गाड़ी मिलेगी या बस मिलेगी। एक बस स्टैंड पड़ता है, उसका नाम है NST नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, और बाकी फिर आपको टैक्सी स्टैंड मिलेंगे। जो बसेस की सर्विस है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको थोड़ा रिमोट जाना है तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज सुमो एंड शेयरिंग टैक्सी। कितना टाइम लग जाएगा सर पहुँचने में? 2 घंटा। 2 घंटा? और फुतसुरो से मेलूरी का कितना टाइम लगता है? 12 वाला तो 5 घंटा। 5 घंटे में भाई गाड़ी जल्दी चल पड़ी। लोगों यूँ मान लीजिए मैंने 5 मिनट वेट किया होगा, और इतनी देर में जो बाकी सवारी वो आ गई हैं, और अब हम निकल रहे हैं कोहिमा से। इम्फाल हाईवे है, कोहिमा से इम्फाल, और लगभग 15 से 20 किलोमीटर इस रास्ते पर चलने के बाद एक रास्ता जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इस रास्ते को छोड़ के हम फुतसुरो की तरफ निकल जाएंगे। जुको वैली जाने के लिए आपको ये रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन जुको के लिए आपको इस रास्ते पर थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, एकदम ऑलमोस्ट बॉर्डर तक। जो
जो उस दिन की हाइकिंग का वासरा नोब तक आ रहा है, चलते टाइम पता नहीं पैर लड़खड़ा से रहे हैं थोड़े थोड़े, तो लगभग आधा रास्ता जो हमारा वो हमने कवर कर लिया है। इस जगह का नाम है किदिमा, तो इनके पास आपके पास खाने में क्या होगा? हा? खाने में नेक्स्ट डे नेक्स्ट अच्छा प्लान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं मेरे। पहले मैं फुसरो में रुकने वाला था, लेकिन फुसरो के पास एक गांव पड़ता है, बड़ा प्यारा सा गांव है, तो अब वहाँ जाऊँगा मैं। लेकिन फुसरो में जाके मुझे खाना वाना खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो भूख लगी है। मिल जाएगा होटल, मिल जाएगा खाने के लिए? मुझे नागा फूड ट्राई करना है। नागा खाने का भी मिलेगा ना? आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, पोर्क अच्छा लगता है चिकन? पोर्क अच्छा लगता है। पोर्क अच्छा। पहुंचने वाले हैं फुसरो टाउन में। हेलो, चिकन? यस यस चिकन। वन प्लेट या तो एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ अभी। यहाँ पे पोर्क खाने वाला हूँ और पोर्क के साथ चावल। नागालैंड के अंदर पोर्क का बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, यहाँ के लोग पोर्क ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही मैं ट्राई करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं फुसरो से जावामे की तरफ निकलूँगा। पहले मेरा प्लान था फुसरो में रुकने का, लेकिन मैं ऐसे मैप को स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पर मुझे गाँव दिखा, उसके आसपास काफ़ी चावल की खेती हुई थी, तो मैं चलो वहीं पर चलते हैं फिर। हेलो, ये मेरा खाना आ गया। ये है पोर्क, ये है दाल, और ये कुछ बॉयल सब्जियां, ये है टमाटर और प्याज का कचुम्बर टाइप में, ये यहाँ की चटनी है लोकल। और मैं अब एकदम जैसे यहाँ के लोकल नागा लोग खाते हैं उनकी तरह खाने वाला हूँ। क्या अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं फुसरो से, और फुसरो से यहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ेगी मुझे जावामे की। कोई ऐसी स्पेसिफिक गाड़ी तो है नहीं, उस रोड पे चलना पड़ेगा, और अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो मैं उसमें लिफ्ट लेके पहुँच जाऊँगा। हेलो, आपके पास चाय होगा? चाय हा? चाय होगा आपके पास? एक चाय दे दीजिए। आप फुसरो से हैं? फुसरो। यहाँ पे कौन सा ट्राइब का लोग है? आओ या अंगामे? छकसंग है। अच्छा, तो अभी इन दीदी के पास आए, इन दीदी से मैं रास्ता वास्ता पूछ रहा हूँ कि जावामे किधर पड़ेगा, तो कह रही हैं गाड़ी तो अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग जो गाड़ियाँ वो सुबह चली जाती हैं। तो मेरे पास अब वही तरीका है कि जो रोड है उसके ऊपर जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ, और जो भी उस गाँव की तरफ जा रहा होगा उसके साथ लिफ्ट मांग के चले जाएंगे। और कोई चारा नहीं है भाई। यहाँ से निकलने के बाद एक बात और कर लेती है आप लोगों से, थोड़ी मज़ेदार बात भी है और थोड़ी रियलिटी वाली बात भी है, तो वहाँ पहुँचने के बाद ढंग से करेंगे। बाकी यहाँ पे चल रहा है इस रोड को वाइड करने का काम, और इस कारण से काफ़ी घरों को यहाँ पे तोड़ वोड़ दिया गया है, क्योंकि रोड वाइड होगा तो और ज़्यादा जगह है नहीं। तो ये देखिए, पहले इस घर में लोग वोग रहते थे और अब ये घर खाली हो चुका है। थैंक यू। चाय बन गई मेरी। मिसा हो तो मैं हूँ अभी फेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फेस डिस्ट्रिक्ट में फुसरो टाउन, और फुसरो टाउन से जाना है मुझे जावामे गांव के अंदर। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन है वो नागालैंड के बारे में ही है, कि यहाँ होगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। पुरानी बातों के बेसिस पे अगर हम चीज़ बनाएंगे फिर तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। वो आ गया भाई टाउन का सेंटर, वहाँ से मिलेगी गाड़ी मुझे शायद।
जावा में के लिए कौन सा रोड जाएगा? जावा में ये रोड जाएगा, सीधा वहाँ पे जो अंकल मिले वो बता रहे थे कि जो लास्ट बस थी जावा में की वो अभी आधे घंटे पहले गई है, तो अगर मैं खाना वाना ना खाता तो शायद वो मुझे बस मिल जाती, लेकिन यार ऐसे थोड़ी पता चलता है कि कितने बजे, कोई ना कोई कॉन्सिडेंस तो ऐसे होते रहेंगे, या तो बस छूट जाएगी या बस मिल जाएगी। तो मेरे पास ये चाह रहा है कि उस रास्ते पे जाके किसी गाड़ी का वेट करूँ और चलता रहूँ। बच्चों की अभी स्कूल से छुट्टी हो रही है तो सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बाय बाय। बड़ा चल लिया हूँ यार, वजन भी बहुत ज़्यादा है। आई होप इस ट्रिप के ख़त्म होने तक मेरा वेट कम हो जाए। जावा में का मेन रोड है, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो खरेले सर ने मुझे लिफ्ट दी है यहाँ तक, आधे रास्ते खरेले सर मुझे छोड़ देंगे। सर को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है लेकिन सही बोल रहे हैं आप, चिंता मत करिए, अच्छा बोल रहे हैं। आप जानते हैं इनको? हाँ, वो बस तो एक ही है। तो अच्छा, ये मेरे का साथी का गाड़ी, ये आपका दोस्त का गाड़ी? दोस्त। ओह, और साथी मो पुशक मो समाप्त दो तीन सो। हेलो सर, कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। जवाब में का पास है। अच्छा, कितना हुआ सर? हाँ, कितना हुआ? नहीं, हम तो नहीं लेगा। थैंक यू सर। तो सर ने मुझे जिला में बस्ती में उतार दिया है और यहाँ से मुझे सामने बस खड़ी है ना, वो जावा में ही जाएगी। अच्छा, मैं जाऊँ? ओके, थैंक यू सर। जब नॉर्मल स्कूल बसेज होती है ना, वो मिनी बस मान लीजिए आप, पूरे गाँव वाले भाई बैठे हैं। वो जो अंकल थे ना पहले, जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक छोड़ा है, मस्त अंकल थे, उनके साथ बातें बातें करते हुए आया और मैंने अंकल को ये बोला था कि आप अपने गांव में उतार देना, लेकिन भाई अंकल अपनी वाइफ को उतार के मुझे आगे तक छोड़ने आए। और सच में मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि अंकल मुझे आगे तक छोड़ने जाए, क्योंकि यार वो अपना काम क्यों डिस्टर्ब करे मेरे कारण, और मुझे मैं श्योर था कि आगे मुझे कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती। बेसिकली मुझे ये बस पकड़नी थी, लेकिन ये बस मेरे फुट शुरू पहुँचने के 10 मिनट बाद में चल पड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। भाई जावा में बस, अभी बस वाले भाई साहब इस गांव का जो सेंटर है उसकी तरफ लेके जाएंगे और फिर वहां से मैं एक गेस्ट हाउस पड़ता है उसकी तरफ चला जाऊंगा। बड़ा प्यारा सा गांव है यार, और इस गांव में आने के लिए जो बस थी, बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनके चेहरे के ऊपर जो स्माइल थी उसको देख के मेरा दिल खुश हो गया था। ये जो बस की सर्विस है ये हफ्ते में 2 दिन चलती है, एक हो गया वेडनेसडे और एक हो गया फ्राइडे, तो आज है शुक्रवार। अब अगले 2 दिन तक ये बस नहीं चलने वाली, मंडे को ये बस जाएगी फुतसुरु जहाँ पर मैंने खाना खाया था। तो गांव वाले जो भी अपना सामान वामान लेके आना होता है वो इसी बस के थ्रू लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुमो वुमो तो आती नहीं है, ये बस हफ्ते में 2 दिन ही बस चलती है। अरे भाई साहब, मैं एक बार भाई साहब को बस का किराया वराया दे देता हूँ, बस यहाँ पे आके पार्किंग में लग जाती है। बताइए ना प्लीज कितना? थैंक यू सर। बस वाले भाई साहब ने किराया लेने से मना कर दिया। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे भूवी गेस्ट हाउस किधर होगा? नीचे में है। तो अभी अब मैं नीचे आया तो यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि जो होम स्टे है वो बंद हो रखा है, इट्स क्लोज राइट नाउ। भाई क्या ये प्यारा सा एकदम शांति भरा गाँव है। ये चावल का खेती है, धान का खेती है? अच्छा, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाता होगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा गांव है, नेटवर्क भी है यहाँ पे ना? होता है, बहुत अच्छा नेटवर्क है।
ये अंकल मेरी हेल्प कर रहे हैं गेस्ट हाउस तक, वो जो होम स्टे यहाँ पे वहाँ तक पहुँचने में। अब ये देखिए यार, ये सारी जो सामने आपको दिख रही है धान की खेती है, और कल मैं जाऊँगा इन ऊपर ऊपर वाले जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना इनके ऊपर, यहाँ से शॉर्टकट। हेलो, हाउ आर यू? सर नेपाली लोग दुकान भी है। अच्छा, थैंक यू सर। इन सर ने मेरी काफी हेल्प कर दी और आ गया भाई गांव के अंदर। मस्त लग रहा है गांव, चारों तरफ धान की खेती, ऊपर मस्त एक पहाड़ की चोटी और बीच में एक टिपिकल नागा विलेज। इस गांव को मैं अगली वीडियो में वो ढंग से आपको दिखा पाऊंगा, आज ऑलरेडी थक गया हूँ यार। जैसे ही गांव में पहुंचा, गांव के जो लोग हैं यहाँ पे मुझे एकदम फ्रेंडली में बातें बातें करने लगे, अपने गांव के बारे में बताने लग गए कि अरे आप यहाँ जाके आइए, यहाँ जाके आइए। और ये एक होटल है, चाय रखती है। आप मणिपुर में किधर से दीदी? अच्छा, वहाँ पे एक नेपाली लोगों का एक वो भी बना हुआ है ना? हाँ मंदिर, कि पिछले साल मैं जब मणिपुर गया तब देखा था। तो आपके हस्बैंड भी नेपाली हैं? और यहाँ कब आए थे आप जावामे में? 10 साल। तो आपको ये चांग लैंग्वेज आता होगा ना? थोड़ा थोड़ा आता है। तो जो ये ढाबा है यहाँ पे, जो दीदी काम करती हैं, जो यहाँ की ओनर हैं, दे आर मणिपुरी नेपाली। ये है भाई गांव का व्यू। बाकी एक बार आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। जो गांव के अंदर गेस्ट हाउस था, और उस गेस्ट हाउस के जो ओनर हैं वो भाई साहब अभी यहाँ पे हैं नहीं, वो चले गए हैं कहीं और, मतलब वो जा रखे हैं कोहिमा। तो गेस्ट हाउस पड़ता है जो नीचे आप गांव देख रहे हो ना उसके सेंटर में, और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे जो चर्च का गेस्ट हाउस है वहाँ पे। यहाँ पे आई एम पेइंग 400 रुपीज पर नाइट, तो 2 रात मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, तो इसके हो गए 800 रुपये। और खाने वाने का भी जो चर्च की किचन है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए सही है यार। और क्या चाहिए यहाँ पे, बड़ी मेरे को रही से दिखानी है। सबसे मस्त बात है कि गांव का जो व्यू है ना वो बड़ा शानदार और बड़ा खतरनाक है। तो 2 दिन मैं इस नागा विलेज में रुकने वाला हूँ, आप लोगों को आप लोगों के साथ भी यहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कल मैं जाऊँगा यहाँ के जो पहाड़ में आपको दिखा रहा था ना वो वाले। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हाँ थैंक यू मैन। तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा आपको ये नीचे गांव दिख रहा होगा, एक तारा भी निकला हुआ है, और सामने रह गए चर्च, और ये है मेरा रूम। आज तक भाई चर्च के अंदर कभी नहीं रुका था मैं, बेसिकली जो गेस्ट हाउस है ये चर्च के मंदों के लिए है। लेकिन कई बार क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इक्के दुके टूरिस्ट, स्पेशली यहाँ पे लोकल टूरिस्ट ही आते हैं, बाहर वो भाई साहब उतारते ही कोई नहीं आता यहाँ पे, तो जो लोकल टूरिस्ट आते हैं कई बार इस चर्च के अंदर रुक जाते हैं। तो अभी रूम के अंदर बैग वैग सब रख के आ गया हूँ, और यहाँ पे चर्च में जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उन सब के साथ अब मैं खाना वाना खाने वाला हूँ। वंस अगेन गाइस थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, सॉरी आई फॉरगॉट ऑल द डेविड, यस जोशुआ, दाशा, इट्स अ लोकल नेम दाशा, एंड योर ब्रदर रोशो, इट्स अ लोकल नेम, इट्स अ काइंड ऑफ नागा किचन ओनली बट नॉट द प्रॉपर हाउस होल्ड किचन, सिमिलर है बट इट्स प्रिपेयर्ड टू प्रिपेयर बिग मील्स बिकॉज And is there any market in the village, like no, local village market? No, we don't have any market. And Futsuru? There must be a market. There are lots. A tribal market? Like every... Yeah, local markets you find. It's every day or it's some... It's every day. Okay. Yeah, the kitchen is mast hai yaar. और नॉर्थ ईस्ट में खाने की सबसे एक मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पे अभी भी खाना ज़्यादातर लकड़ी के ऊपर ही बनता है। हाँ बहुत सारे घरों में आपको अभी मोस्टली सिटीज़ के अंदर तो आपको गैस वैस मिल जाएगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा गांव की तरफ जाएंगे वहाँ पे अभी भी खाना लकड़ी के ऊपर पकता है, और जब खाना लकड़ी के ऊपर पकता है ना तो लकड़ी का फ्लेवर आता है, वो कोयले का और धुएँ का, और उससे खाने का स्वाद और खाने की जो टेस्ट वो एकदम इनहेंस हो जाता है। तो इस मामले में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी भी ये चीज़ें बची हुई हैं। तो ये जो जावामे विलेज है ये है चागासन नागास का, नागास के अंदर शायद मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया होगा देयर आर 16 और 17 ट्राइब्स। हाउ मेनी ट्राइब्स आर इन नागास? 16 और 17?
Oh, there's recognize. I think there's 16. But they are different cults which are not recognized, no? There are some tribals which are not recognized. Yeah. But even in Chagasan, there are 3 sub-tribes. Or there's only 1 tribe in Chagasan? It's only 1 tribe, but we speak 3 dialects. But you can understand those 3, two other dialects or no? No. The people in Futsuro, they are Chagasan? Yeah, they're Chagasan. You understand them properly or no? Me, I don't. You don't understand people in Futsuro? Yeah, we... So you speak in Nagamese? Yeah. तो अभी डेविड भाई बता रहे हैं कि फुटसुरो यहाँ से लगभग मान ली 13 किलोमीटर दूर है, लेकिन 13 किलोमीटर के अंदर ही लैंग्वेज इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि फुटसुरो के लोग जावामे की भाषा को नहीं समझते और जावामे के लोग फुटसुरो की भाषा को नहीं समझते। तो नागालैंड में इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए नागालैंड में क्या किया है, एक कॉमन लैंग्वेज बनाई है नागामीज़ के अंदर काफ़ी जो नागा लैंग्वेजेज हैं उनके भी वर्ड इंक्लूड किए गए हैं, असमीज़ के भी वर्ड मिल जाएंगे आपको, थोड़ी बहुत बंगाली के वर्ड भी मिल जाएंगे। अगर आप नागामीज़ को सुनेंगे ना तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी, जैसे कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ थिंग, जब कोई नागामीज़ में ये बोलेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वही कैसे बात कर रहे हैं। तो नागामीज़ इज़ नॉट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट द ट्राइबल लैंग्वेजेस दे आर कम्प्लीटली बियॉन्ड आवर लिमिट्स। तो भाई मेरे लिए खाना अलग गया है, भाई और अभी चर्च की जो सर्विसेज हैं उनके लिए तैयारी वैयारी करेंगे, भाइयों को अभी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और मेरे को लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख। भाइयों के साथ खाना मैं खाऊंगा कल सुबह, लेकिन अभी मैं अकेले खाने वाला हूँ, भाइयों ने मेरे लिए खाना लगा दिया है। और ये देखिए, ताकि मुझे ठंड ना लगे मेरे पास ये अंगीठी रख दी है, यहाँ से मुझे गर्मी मिलती रहेगी। और ये है मेरा खाना, ट्रेडिशनल नागा फूड, इसमें है चावल, आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। इसके अंदर है चिकन, इसके अंदर है दाल, और ये है लाई पत्ते और अलग अलग चीज़ें, और ये है फ्राइड आलू। तो अब मैं खाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दाल डल गई और ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा भाई, लाई पत्ता सबसे प्यारा है मेरे लिए, दाल से भी ज़्यादा। जितनी ग्रीन सब्ज़ी हो उसकी उतनी खाइए क्योंकि अच्छी होती है ग्रीन सब्ज़ी। और ये है लोकल, यहाँ की लोकल गोभी उबली हुई। खाने का टेस्ट ऑलरेडी मुझे पता है और शायद मैंने वीडियो के पार्ट में आपको स्टार्टिंग में पहले से ही बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोकल गोभी वो ट्राई करके देखते हैं। अपने रूम में वापस आ गया हूँ और मेरा खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बाकी ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी चर्च के अंदर स्टे कर रहा हूँ। आज से पहले मैं मंदिर में भी रुका हूँ, एक बार गुरुद्वारे में भी रुका था, लेकिन चर्च नहीं यार, आर्मेनिया के अंदर रुका हूँ मैं, लेकिन वो चर्च कम था, मोनेस्ट्री ज़्यादा थी। और इंडिया में आज तक किसी भी चर्च में रुका नहीं था, तो वो चर्च में रुक के देख लिया, मंदिरों में रुका हुआ, गुरुद्वारे में रुका हुआ, मोनेस्ट्री में रुका, और अब चर्च में भी रुक चुका हूँ। ऐसे में अगर मान लो किसी इस्लामिक कंट्री में घूम रहा हूँ तो उस टाइम मे बी मुझे मस्जिद में रुकने का मौका मिलेगा। कल मैं जाऊँगा यहाँ पर जो गाँव है उसको एक्सप्लोर कर लें और ऊपर जो माउंटेन के पीक है उसको एक्सप्लोर कर लें। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय। एंड हाँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।